अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बारिश शुरू हो गई है, रुके मैं आपसे कवर करके मिलती हूँ। मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, एकदम ख़राब हुआ तो मैं ऊपर आई हूँ। अब मैं इसको सारा कवर करती हूँ। शुक्र है मैंने कल दो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली थी, मैं ज़रा इसको कवर कर लूँ। चलें जनाब, वहाँ पर सारे टेक्सचर्स थे जो बने हुए थे वो मैंने कवर कर दिए। वहाँ तक बारिश नहीं आ रही तो मैंने वो नहीं उठाया, जगह भी नहीं थी। ये दो टेक्सचर्स की कल वीडियो बना ली थी। थैंकफुली मैंने कल सीरीज़ के दो पार्ट रिकॉर्ड कर लिए थे, तो आज मेरे पास है अपलोड करने को एक पार्ट। तो मुझे नहीं लगता था बारिश आएगी, ये तो बड़ा साफ मौसम था, एकदम ही आ गई। ये गाची है, ये वेट है। अच्छा, मैं ना अभी ये कमेंट पढ़ रही थी। हाँ, पता नहीं कौन थी, उन्होंने कहा कि आपकी मेरी क्लीनिंग उस पर था, आपको तो ब्रश भी नहीं पकड़ना आता लोल। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी क्लीनिंग देख के लग रहा है कि आपने कभी घर में भी क्लीनिंग नहीं की। तो मैंने उनका कमेंट रिमूव कर दिया। खैर, मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव कमेंट, तो मैं रिमूव कर देती हूँ अक्सर। और फिर वरना उस पर बहस भी करना शुरू हो जाते हैं लोग, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, अच्छा मैं इतना कहना चाहूँगी बस कि देखें, आपको मैं बताऊँ, मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। सुबह 8 से 4 बजे तक की रफली टाइमिंग होती है, उसके बाद फिर मैं ये चैनल भी चला रही हूँ, और भी काम होते हैं, यूनिवर्सिटी के काम, घर के काम, कुछ भी। मैं वाकई रोज़ाना क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। मतलब ऐसी बात तो नहीं है ना कि किसी ने अपना घर ही साफ ना किया हो, किया ऑफ कोर्स। लेकिन देखें, नहीं अगर आपको लग भी रहे कि पहली बार कोई कर रहा है, तो कैन यू जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट शी इज़ डूइंग इट। मतलब कि चले अगर मैं घर भी रही हूँ, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, आप कह दें आप ठीक नहीं कर रही, लेकिन आप करती रहें, मोटिवेट कर दें। बाकी ये कि चलें कोई नहीं। अच्छा, आप ये गाची ड्राई हो जाएगी ना, फिर इसको हम बनाएंगे सही से। है तो थोड़ी, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए। आज वैसे मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, तो मेरा वो नहीं था, मैं था कि बस एक व्लॉग और एक वीडियो बना लूँगी। वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारा बेसिकली गोल था ये चूंटियों पर ये पाउडर डालना, एक तो यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा दिख गई हैं, दूसरा सिफ्टिंग करना छत वाले टेक्सचर की। तो वो बारिश अभी थोड़ी तो रुकती है, तो हम सिफ्टिंग करते हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक बारिश हो रही है ना, मैं कोई ना कोई टेक्सचर बना लूँ, मौसम अच्छा है। या टेक्सचर बना लिया वो ज़ाया ही ना चला जाए, बारिश रुकनी ही फिर। चलें देखते हैं क्या करते हैं। इतना मज़े का लग रहा है, और करूं डैम्प। बारिश तेज हो गई है, रहने देते हैं। चलें गाइस, मैंने कहा उस तरफ तो बारिश हो रही है, इस तरफ तो कवर्ड ही है। मैं इसकी शेप्स बनाती हूँ। आपको अगर याद हो तो मैंने ये दिखाया था ब्लॉक के अंदर के जो नया टेक्सचर मैंने बनाया था, इसके भी शेप्स ने बनाई थी ग्रिटी सैंड कह लें इसे। तो अब मैं सोच रही हूँ इसकी शेप्स बनाती हूँ, थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं शेप्स मेकिंग।
हैं, देखते हैं अब ये हार्ड होता है कि नहीं। इसमें मैंने पानी ज़्यादा ही डाला है क्योंकि पिछली बार जब मैंने ज़्यादा पानी डाला था तो सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा नहीं डाला था, पिछली बार नॉर्मल ही डाला था तो ये सॉफ्ट रहा था। तो अब मैंने ज़्यादा डाला है ये देखने के लिए कि क्या बनता है। अब मैं की शेप्स बनाकर आपसे मिलती हूँ। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम क्लीनिंग ब्लॉक बना लेते हैं इस छत, उधर तो बारिश हो रही है ना। ये शेप इतने दिनों से नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलें ये शेप बना के ट्राई करते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। चलें जी, मैं सारी शेप्स बना के आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, मैंने ये शेप सारी बना ली हैं। उफ, मुझे लगा था थोड़ा टेक्सचर है, पर ये टेक्सचर थोड़ा नहीं था। इतनी शेप्स बनी हैं। और मैंने शायद पहले भी मेंशन किया हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द थी आज और अब ज़्यादा हो गई है। वरना मेरा इरादा था इस वर्क प्लेस पे काम करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इतना ही कहूँगी बस कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप लोगों ने कल के व्लॉग पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे रिव्यूज़, यार बहुत मज़ा आया मुझे कल पढ़ के। आप लोगों ने कुछ नोट भी किया होगा कि जिन्होंने तो विद इन 2 आवर्स कमेंट किया होगा ना, उनको तो मैंने फ़ौरन रिप्लाई कर दिया था क्योंकि तब मैं यूट्यूब पे ना एक्टिव होती हूँ। तो मुझे कमेंट्स आए थे, साथ साथ मैं रिप्लाई कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने का। हालांकि सिंपल से व्लॉग्स होते हैं, आप लोग उसको पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, और जिन लोगों को थोड़ी सी शिकायतें हैं वो भी हम दूर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने। बाकी मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मैं यहीं पर रैप करूँगी। और सामने आंटी मुझे देख रही हैं और मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं यहाँ से जाने के लगी हूँ, बस मैं नहीं ऐसे बैठती। और ये मल्टी स्टोन टेक्सचर है, इसको हम रिन्यू करेंगे। मैं सारी इसमें से स्टोन शिफ्ट करके सैंड न्यू लाऊँगी और उसमें स्टोन डालूँगी। मुझे ऐसे लगता है सैंड का कलर डल हो गया, वो येलो येलो सा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, तो अब आज के व्लॉग के लिए इतना ही। सिंपल सा व्लॉग था, कुछ खास नहीं था। अगर आपको पसंद आ गया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।